हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये है श्याम की क्लिप। भई ना पढ़ने के बाद में और नहाने के बाद में सो रही है, और देखो बच्चे कैसे सुकून की नींद सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और चलो अब मैं दिखाती हूँ मेरा साथ में क्या काम चल रहा है। मैं बना रही हूँ चाय इवनिंग की, क्योंकि 4:15 हो चुके हैं और दूध निकालने में अभी थोड़ा टाइम है, आधे घंटे का, तब तक चाय पियेंगे। और इधर सर और बेटा दोनों भैंस को वही शनिकरण लाग रहा है, और चाय में उबाल आ गया है, और गैस को कर देंगे धीमा। और चलो इन्ना को उठाते हैं, क्योंकि उसे उसका भी चाय पीने का टाइम है, वो चाय पीती है इस टाइम पे, सुबह और शाम दो टाइम चाय लेती है। और बस पापा बेटे कर रहे हैं काम, और ये देखो इन्ना को उठा रही हूँ, चाय खुदक रही है। नहीं, खड़ी हो, चाय ले ले। उठी बेटी, खड़ी हो, चाय ले ले। उठिए बाबू, इनू खड़े हो बेटा, खड़े हो, चाय पी ले। उठिए बाबू, उठिए 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 उठिए। और बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। और बस सर ने भी अपने चैनिट कर दिए, और भैंसों को अब बांध रहे हैं अंदर दोनों पापा बेटे। और इधर मेरी चाय में अच्छे से कम 3-4 मिनट तक खुदक चुकी है, और अब मैं इसको छान लूँगी। और अब बैठ के थोड़ी सी देर आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद मैं दूध दात का काम करूँगी, दूध निकालने का काम शुरू हो जाएगा 4:30 के बाद में। और ये देखो बेटा लेके आया अपने बोते की चीज़, छोटा पाडा ने, और इन्हें बांधेगा, और अब इसको थोड़ा खाना खिलाना सिखाएगा। और सर बांध रहे हैं भैंसों को, क्योंकि इनके पास इसे नहीं जाने देते। और आज देखो कहीं बारिश नहीं हो रही है, और धूप निकल गई है, लेकिन हमारे घर में बारिश हो रही है। इसका कारण बता रही हूँ, ये जो ऊपर जब पिछले संडे को बेटा घर आया था ना, तो वो तूड़े के ऊपर पल्लट डाला हुआ था, वो भाई साफ करके ऊपर सुखा दिया था धो के, लेकिन बस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और तूड़ा भी सारा गीला कर दिया हमारा। और तो ये जब ऊपर सूखा हुआ था, तो इसके ऊपर पानी इकट्ठा हो गया है, और अब पापा बेटे बस उसी पानी को खाली कर रहे हैं। और खाली करने के बाद में इसे एक बार फिर अच्छी सी धूप लगाएंगे। तो बस यही काम चल रहा है। ये पड़ोस में से कोई जा रही है गली से, वो बोल रही है, तो उसके पोते हैं वो नमस्ते कर रहे हैं कि ताई जी नमस्ते। और बेटा कह रहा है मम्मी ये क्लिप तो मत निकालो। तो बस वही कर रही हूँ। और उस टाइम जब ये धोए थे, तब भी ऐसे ही सुखाया था ऊपर, और तब तक आ गया ये जूस वाला। और ये ना के स्कूल का दोस्त है, ना उसे बुला रही है, और ये जूस वाला भाई डेली आता है, और इन्ना अपना एक गिलास ज़रूर पीती है घर में, और कोई मिस हो जाए, पर ये अपना कोई टाइम टेबल स्किप नहीं करती, ये पहले खड़ी हो जाती है। और बस जूस वाला भाई जूस निकाल के और दे रहा है, तो इन अपने गिलास में पिएगी, भाई के लिए मग्गी में निकलवा दिया है। और अब भाई ये फीवर जो वायरल फीवर आया था ना, तो परिवार में सभी के आया था, और सब बीमार हो गए थे, तो बस इसीलिए कंटिन्यू जूस लगा रखा है कि भाई शाम को आते टाइम जूस देख के जाया करो। और ये जूस के वो छिलके हैं जो भैंस खा लेंगी। और ये देखो हमारा तूड़ा है, जो भाई मैं सोचा था कि राम जी खुल गया और अब नहीं बरसेगा, अब यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं पशु खिलाना का, लेकिन सारा भीग गया आज, उसकी ढकाई चली है, वो काम फिनिश किया है, तब तक अंधेरा हो गया, सारे कपड़े वपड़े उतार लिए देखो। और अब सबको एक बार प्रेस मारूंगी, चाहे छोटे बड़े कैसे भी कपड़े हैं, क्योंकि ये बारिश होने के बाद में ना, अब ये बेटा कपड़े हॉस्टल में ले जाएगा, और कुछ बारिश हुई है तो कपड़ों में ना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हल्की वल्की थोड़ी नमी होगी, तो वो दूर हो जाएगी। और सबसे पहले तो इन्ना के कपड़ों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि इसके कपड़े सुलटाने सबके कपड़ों से महाभारत होते हैं, सबका होता है 2 जोड़ी, और इसके होते हैं 6 जोड़ी। ये हमेशा सबसे ज़्यादा कपड़े मैले करती है,
इसको दो जोड़ी ड्रेस तो दिन में चाहिए चाहिए। और ये मैं अन्ना की टी शर्ट दिखा रही हूँ, इसके शॉपिंग का ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं ख़रीद के लिए कहती अन्ना को ये बहुत पसंद आई थी, उसी टाइम दुकान में ये मेरे साथ गई थी तो उसने कहा था कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए। और अब देखो मैं इस टी शर्ट का हाल दिखाती हूँ, मैंने हॉस्टल में छोड़ दिया था तो वहाँ लोहे के तार पे सुखाती थी तो वहाँ जंग लग गया है टी शर्ट के, तो वाइट टी शर्ट का। और मैंने इसमें ना कई चीज़ यूज़ कर ली, नींबू भी लगा लिया और वेनिस भी लगा लिया, कंफर्ट भी, लेकिन ये जंग का वो नहीं हटा है। तो मैं कभी कभी ना ये सर के कपड़ों के लिए एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, अब मेरे को वो एमवे वाला डिश वॉश लाना पड़ेगा, वो लगा के छोड़ दूँगी तब इसका ये जंग उतरेगा। और बस मैं फटाफट कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इधर सर नहा के आ गए हैं और बस अपने नहाने के बाद में तेल ताल लगा रहा सी। ये हमारे घर में ना कंटिन्यू एक रूटीन है कि कोई भी नहाता है तो हाथ पैरों के भाई तेल ज़रूर लगाए सरसों का, जिससे ना हाथ पैरों में खुजली भी ना और खुश्की भी ना आए, मतलब सूखा सूखा भी ना हो और नमी बनी रहे। तो भाई हम तो ये और बस सर बात कर रहे हैं और मैं अपने प्रेस के लगी हुई हूँ और बातों बातों में ना काम कब सुलट जाता है पता ही नहीं चलता। और खाना वाना मैंने बना लिया है, सारी तैयारी कर ली है और अब मैं आराम से बैठ के इसी वजह से प्रेस कर रही हूँ। एना के कपड़े सुलटाए हैं और बेटे के कपड़ों की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसके मुझे बैग पैक करना है कि कल इसको हॉस्टल जाना है और हॉस्टल में इसको भाई जो जो कपड़े चाहिए वो। और इसके तो भाई मैं आगे भी आप भी देखोगे, इसका टॉवल, इसके अंडरवियर, इसकी बनियान सभी के प्रेस मारूंगी, क्योंकि बच्चा है ना अभी इतना करना नहीं आता कुछ, थोड़ा बड़ा गिला जैसे टॉवल है उसको गिला ही पोंछ के एक साइड गिरा दिया, सुखाया तो सुखाया नहीं सुखाया। वैसे तो मैं बार बार फ़ोन से उसको कहती रहती हूँ। और ये देखो मैं इसके अंडरवियर है तो मेरे को थोड़ा हल्का सिला भी लग रहा है, लेकिन वैसे भी मैं प्रेस करती, लेकिन मैं वैसे भी प्रेस करके रखूँगी इसके कपड़े और इसके टी शर्ट लोअर वगैरह सब पे एक बार कंटिन्यू प्रेस मारूंगी, ताकि जो हल्की फुल्की नमी हो वो भी चली जाए और बच्चे के ना कपड़े में कड़कपन रहे, क्योंकि अब एक हफ्ता बिल्कुल बारी